हेलो स्टूडेंट्स यार, सीयूईटी पीजी के जो एप्लीकेशन जो भी थे, क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम डेट है उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। जैसा कि आप अगर इनके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करें तो भी काफी कुछ डाल रखा है आज उन्होंने, जो है एटलीस्ट 9 AM पर इंफॉर्मेशन डाल दी है रिगार्डिंग दिस। एंड एक ईयर भी नोटिस आ रखा है, इसका भी आप ध्यान दें। पॉलीमर इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, रिक्वेस्ट ऑफ द त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, उसको रिवाइज कर दिया गया। ओके सो जस्ट ये देख, इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आज रात तक हम वेट करते हैं, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन डाल दें। अगर आप न्यूज वगैरह में चेक करेंगे तो आप जो है इसके रिगार्डिंग काफी बड़ा कंसर्न है रिगार्डिंग द सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन। सीयूईटी पीजी 2022 डेट्स अनाउंस एग्जाम फ्रॉम सेप्टेम्बर 1। ओके तो जस्ट जो है अभी तक शेड्यूल एनटीए की वेबसाइट पर रिलीज किया गया नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनटीए इज द सोप ऑफ द स्कैम, इसका बिल्कुल भी ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एनटीए के जो भी है सीन सारा। तो यूजीसी चेयरमैन जो भी है, अगस्त अनाउंस द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट सीयूटी एग्जाम डेट ऑन द ट्विटर हैंडल। द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 1 सितंबर टू 7 सितंबर एंड 9 सितंबर टू 11 सितंबर 2022। द डेट्स फॉर द सीयूईटी पीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 सितंबर। द डेट्स एडवांस सिटिंग रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड विल बी अनाउंस लेटर। एटलीस्ट आप मान के चल सकते हो कि 15 अगस्त या फिर 20 अगस्त के बाद आपके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। ओके इसके साथ ही डिटेल शेड्यूल ऑफ सीयूईटी विल बी पेपर कोड वगैरह एनटीए की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकता है। ये जो है जेई की न्यूज है, ठीक है। ऑलमोस्ट काफी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं जेई वालों के, एंड और भी बहुत सारी न्यूज वालों ने इसको कवर किया है। इसके साथ ही जो आप ट्विटर पे विजिट करके वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं आपको 2-3 और भी न्यूज चैनल्स के जो दिखा देता हूँ, ये देखो एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, जोश, ऑलमोस्ट सभी ने कवर किया टॉपिक को। एंड यू कैन विजिट नाउ द ट्विटर एंड चेक द ऑल द डिटेल्स, जागरण, जोश, सभी ने जो है डाल रखा। सो ऑलमोस्ट ठीक है, अभी आप लोग प्रिपरेशन करते रहो सीयूटीपीजी की। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। इसके साथ ही यार आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम सेंटर कि आप प्लीज जो बच्चे जिनको इश्यू फेस करना पड़ रहा है वो तो जरूर एनटीए को मेल डालें, साथ ही जो बच्चे को इश्यू नहीं आ रहा है वो भी उन बच्चों का जरूर सपोर्ट करें जो कि दूसरे स्टेट के अंदर है और उनको जो है एग्जाम टेस्ट सेंटर चेंज करने का मौका नहीं दिया गया। काफी ये बहुत ही दुखदनीय घटना है और ये काफी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल भी, सिक्योरिटी भी, एंड मेनी मेनी रीजन शेयर, मतलब जो भी गर्ल्स स्टूडेंट होती है दिल्ली टू बेंगलोर, बिहार, स्पेशली बिहार की तो काफी सारी लड़कियां जो है दिल्ली में रहती है, मुंबई, एंड जो भी प्रिपरेशन करती है कोटा एंड अदर राजेंद्र नगर में, यूपीएससी की बहुत सारे स्टूडेंट जो इंतकाम ले रहे हैं ठुकरा के मेरा प्यार वाला, तो जस्ट यार उन स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनको जो है स्टेट चेंज करने का मौका नहीं दिया गया। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, अपना खूब ध्यान रखिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। कोई अगर आपका बड़ा क्वेश्चन हो मुझे इंस्टा पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, इंस्टा पे जरूर फॉलो करें। थैंक यू, बाय।